सिरसा कोर्ट में आरोपी बना जज। तलाक केस में कोर्ट आया अध्यापक, जज की कुर्सी पर बैठा। कर्मचारियों को यहां पर चाय नाश्ते की व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए भी नजर आया। जिला पुलिस ने आरोपी को फिलहाल काबू कर लिया है। तो कर्मचारियों को यहां पर ये जो व्यक्ति है वो चाय नाश्ते के लिए निर्देश भी देता हुआ नजर आया। फिलहाल जिला पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ा है। अब कैसे वो कोर्ट तक पहुंचा ये बड़ा सवाल है, और जाकर जज की कुर्सी पर कैसे बैठ गया ये भी बड़ा सवाल है। तलाक केस में ये कोर्ट पहुंचा हुआ था। वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित जी, सबसे पहले तो इस खबर को आपसे समझना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है। बिल्कुल राजश्री, अपने आप में ये एक अनूठा यह मामला है और एक बड़ा जो अपराध जो है वो इस शख्स ने किया है। दरअसल यह है पंजाब में बतौर अध्यापक कार्यरत है और तलाक का एक मुकदमा इसका सिरसा कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में यह व्यक्ति पेशी भुगतने के लिए आया था और आते ही कोर्ट में जाकर जज की कुर्सी पर बैठ गया और वहां कर्मचारियों पर धौंस जमाने लगा और उन्हें कभी चाय नाश्ते का ऑर्डर कर रहा था, कभी क्या कर रहा था, और अपनी तरफ से फाइलों को अपने फैसले देने की के निर्देश देने लगा। तो ऐसे में उसने इस प्रकार के कृत्य किए और बाहर उठते हुए एक अन्य कोर्ट के दरवाजे पर लाते मारी। तो ऐसे में अब पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जो सिरसा के डीएसपी हैं अजय सिंह, उन्होंने भी उसकी पुष्टि की है और इसका बताते हैं कि इसका विवाह जो है वो प्रेम विवाह हुआ था और यह अब उसका तलाक का जो मुकदमा है वो यहाँ चल रहा है। फिलहाल इसकी मानसिक स्थिति क्या है क्या नहीं, इसको पुलिस अभी अभी जांच कर रही है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी स्थिति। फिलहाल ये पुलिस की गिरफ्त में है राजश्री। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका। तो सिरसा कोर्ट में आरोपी बना जज, वाकई ये अनूठा मामला देखने को मिला है। तलाक केस में कोर्ट आया था अध्यापक और जज की कुर्सी पर जा बैठा।